नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम आर्बिट्रल अवार्ड डिस्कस करेंगे। आर्बिट्रेशन हो गया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो गया। अब आज जो आर्बिट्रेटर है कुछ तो भाई रिलीफ देगा, कुछ तो सेटलमेंट करेगा, उसको अवार्ड बोलते हैं। तो आर्बिट्रल अवार्ड होता क्या है, वही चीज़ जो एक सेकेंड। द आर्बिट्रल अवार्ड और आर्बिट्रेशन अवार्ड रिफर्स टू एन आर्बिट्रेशन हियरिंग डिसीजन मेड बाय एन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। डिसीजन के बाद जो भी चीज़ देते हैं ना उसको अवार्ड बोला जाता है। अब आर्बिट्रल अवार्ड दो तरीके के होते हैं, डोमेस्टिक अवार्ड, फॉरेन अवार्ड। डोमेस्टिक अवार्ड वही जो कि इंडिया के अंदर जो भी आर्बिट्रेशन हुआ है, इंडिया के अंदर जो भी आर्बिट्रेशन हुआ है उस आर्बिट्रेशन का जो भी रिजल्ट निकला उसको डोमेस्टिक अवार्ड बोला गया। फॉरेन अवार्ड इंडिया के बाहर फॉरेन आर्बिट्रेशन जो बोलते हैं वो होके जो वो उस अवार्ड को क्या बोला जाता है, फॉरेन अवार्ड। इफ द पार्टीज चूज अ फॉरेन आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन और एग्री टू एन एड हॉक आर्बिट्रेशन ओवरसीज, या तो खुद से एडहॉक मतलब खुद से, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन। एसेंशियल एलिमेंट क्या है आर्बिट्रल अवार्ड के, शुड बी इन रिटन फॉर्म, शुड साइंड बाय द आर्बिट्रेटर, शैल कंटेन द रीजन फॉर द पासिंग ऑफ द अवार्ड, डेट एंड प्लेस एट विच द आर्बिट्रेशन टुक प्लेस। ठीक है, अब इन्फोर्समेंट कैसे हुआ, कोई भी जैसे इन्फोर्समेंट ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रल अवार्ड, एक डोमेस्टिक आर्बिट्रल अवार्ड मिल गया आपको, अब वो इन्फोर्स कैसे कराओगे। तो जो भी आपको अवार्ड मिला है ना, वो अवार्ड मिलने के बाद आपको 90 दिन तक रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो अवार्ड है उसको क्वेश्चन किया जा सकता है सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट के अंडर, उस अवार्ड को क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई ये अवार्ड दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। एक बार वो 90 दिन चले गए, ठीक है, और कोर्ट को लगा कि यार ये तो अवार्ड मिलना चाहिए आपको, तो वो अवार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा है इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, अब कोई भी पार्टी है जिसको वो फॉरेन अवार्ड मिला है, उस अवार्ड को न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन से साइन हो गया, वो अब वहाँ से अप्रूवल मिल गई। ठीक है, और जो कंट्री है ना वो जहाँ पे भी टेरिटरी, जिस भी टेरिटरी पे वो अवार्ड मिला है वो उसको इंडिया भी रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि हर जगह से थोड़ी आर्बिट्रल अवार्ड मिलेगा। वो जो जहाँ पर टेरिटरी जहाँ पर उसको अवार्ड मिला है उसको इंडिया भी रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, तो उस अवार्ड को इंडिया में इन्फोर्सिबल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इन इंडिया इम्प्लीमेंटिंग अ फॉरेन अवार्ड इज अ टू स्टेज प्रोसीजर बिगेन बाय फाइलिंग अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन। सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए आपको रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी और जज विल डिसाइड इफ द अवार्ड मेट विद द लॉस क्राइटेरिया, कि उसके बाद जज देखेगा कि यार ये जो अवार्ड है वो लॉ क्राइटेरिया के अंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो बिल्कुल आपको इट कैन बी अप्लाइड एज अ कोर्ट ऑर्डर, इन्फोर्सिबल होगा वो। ठीक है, तो ये था डोमेस्टिक अवार्ड, फॉरेन अवार्ड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब थैंक यू वेरी मच।